नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीएन न्यूज देश का सच दिखाते हैं। मैं वर्तिका सिंह आपके साथ आई। चर्चा करते हैं आज के मुख्य समाचार पर। कानपुर में फ्लैट के बाहर खड़ी कार चोरी, चार साथी चोरों ने दिया घटना को अंजाम। लग्जरी कार सवार साथियों ने महज 8 मिनट में पार कर दी कार। साथी चोरों की हरकत सीसीटीवी में हुई कैद। मामला कल्याणपुर थाना क्षेत्र का। कानपुर में सत्ता की हनक और मनमानी का अगर उदाहरण देखना है तो भाजपा विधायक महेश त्रिवेदी की जनसंपर्क में देखो। 10 लोगों की परमिशन, लेकिन विधायक जी का भौकाल इतना कि स्थानीय प्रशासन और चुनाव अधिकारी सब मौन। वहीं किदवई नगर भाजपा प्रत्याशी के बेटे खुलेआम कर रहे आचार संहिता का उल्लंघन। भारी भीड़ के साथ कर रहे जनसंपर्क, बांटे जा रहे कैलेंडर, न मास्क न सोशल डिस्टेंस, घर घर पहुंचा रहे कोरोना। अपहरण की घटना का सफल अनावरण करते हुए अपहरण बालक की सकुशल बरामदगी, 5 अभियुक्त हुए गिरफ्तार। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, मोबाइल व सिम कार्ड बरामद। दिनांक 21/1/2022 को जनपद बलिया के थाना सिकंदरपुर पे एक लिखित सूचना प्राप्त हुई। श्री कैलाश चंद जी के द्वारा बताया गया कि उनके 12 वर्षीय सुपुत्र को कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया है। 2 अज्ञात लोगों ने मोटरसाइकिल पे अपहरण कर लिया है। सूचना मिलते ही तत्काल मामले की गंभीरता को देखते हुए इसमें 5 टीमों का गठन किया गया और जनपद बलिया और आस पड़ोस के जो भी जनपद थे उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य में, उन सबके पुलिस से बात करके जो भी ऐसे लोग हों जिन पे शक किया जा सकता हो उन प्रोफाइल्स को चिन्हित करके उन पे काम करना शुरू किया। क्योंकि केस पूरा ब्लाइंड था, किसी भी तरह की कोई सूचना नहीं थी, इस करके अज्ञात लोगों के खिलाफ कार्रवाई हमारी शुरू हुई। इसी क्रम में इनके पिताजी को दिनांक 22 को एक फोन कॉल के माध्यम से 25 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई और पुलिस के द्वारा लगातार जो काम करते गए उसके संबंध में 300 के करीब हमने प्रोफाइल्स को छांटा था जिन पर हमारा काम चल रहा था। और 3 दिन के इस ऑपरेशन में जिसमें हमारी टीम 5 टीमें लगी थी, और मैं बताना चाहूंगा कि 5 टीमें 3 दिन में मिला करके कुल 8 से 10 घंटे ही सो पाई थी, इनको सफलता हासिल हुई और हमने अपहरित बालक को सकुशल बरामद कर लिया। और घटना में संलिप्त 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है जिनमें मुख्यतः लालू यादव जो कि जनपद मऊ के मधुबन थाने का रहने वाला है और अटल सोनी जो कि जनपद बलिया के सिकंदरपुर थाना का रहने वाला है, इन दोनों के द्वारा और इनके अन्य एक साथी के द्वारा बच्चे को अपहरण करके लालू यादव के घर में रखा गया था, जहां पे उसकी 3 बहनों के द्वारा बच्चे को डरा करके रखा गया था कि वह शोर ना मचाए और कुछ ना करे। उसके घर पे ही बच्चे को लगातार रखा गया था और पुलिस ने सफलतापूर्वक बच्चे को सकुशल बरामद किया और 5 लोगों को, लालू यादव, अटल सोनी और लालू यादव की 3 बहनों को अरेस्ट कर लिया है। अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई प्रस्तुत है, जो भी इसमें प्रगति होगी आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। और मैं विशेष रूप से मीडिया को और अन्य लोगों को धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आप लोगों की बहुत ही सकारात्मक भूमिका रही और मामले से जुड़े कोई भी संवेदनशील बिंदु को आपने बाहर नहीं किया जिससे बच्चे को हम सकुशल बरामद कर पाए। धन्यवाद। थाना हल्दी जनपद बलिया पुलिस द्वारा एक पिकअप पर लादकर तस्करी हेतु बिहार ले जा रहे कुल 100 पेटी में कुल 864 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब, कीमत लगभग 5,27,800 रुपए बरामद। 2 शराब तस्कर हुए गिरफ्तार। आरआरबी एनटीपीसी के रिजल्ट में धांधली के विरोध में लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहे छात्रों पर सरकार के इशारों पर पुलिस ने जमकर पीटा और आंसू गैस के गोले छोड़ेगा। अपने सरोकारों और अधिकारों के लिए गुहार लगा रहे थे, वहीं पुलिस की बर्बरता, मासूम छात्रों पर बरसाई गई लाठी, उनकी पीड़ा इस कपकपाती ठंड में उनके शरीर पर आई एक एक चोट के निशान बयां कर रही। नीतीश कुमार सरकार के ताबूत की आखिरी किल साबित होगी। रोजगार ही तो मांग रहे थे, ऐसा क्या गुनाह कर दिया जो इतनी बेरहमी से दुर्दांत अपराधियों की तरह छात्रों को पीटा गया। बिहार की डबल इंजन सरकार का डबल प्रहार, भाजपा के राज में कुचले जा रहे युवाओं के अधिकार।
मार 20 लाख की मार साले मार ले चल अंदर अंदर ले चल लाठी से मार 20 लाख मार ले अरे लाठी ने कंधे पर मारे कंधे पर बता रहे हैं साले बस पर तेरा सब मिल गया भैया भगवान के सब किसी को नहीं मारे कभी मारे काम करते काम नहीं कुछ किया प्लीज सर डेला भी नहीं मारे सर कभी गलती से भी सर आज जान मार दीजिए सर हमको नहीं जेल में बंद खुशी दुबे की मां ने कानपुर की गोविंदनगर विधानसभा सीट से सपा से चुनाव लड़ने की जताई इच्छा। गैंगस्टर विकास दुबे के भतीजे अमर दुबे की पत्नी हैं खुशी दुबे। दो दिन पहले ही ब्याह के आई थी खुशी दुबे। पुलिस ने उन्हें भी बना दिया विक्रुकांड का आरोपी। ये हुआ कि आपको न्याय मिलेगा आपके साथ जो दिया जा रहा है हम भैया कुछ नहीं पता तो न्याय की गुहार तो आप काफी समय से लगा रही हैं अभी तक क्या हुआ कुछ नहीं मिला क्या लगता है आपको सरकार न्याय तो मिलेगा तो क्या आश्वासन आपको बुलाया गया यहाँ पर क्या बताया गया कुछ बात हुई कि नहीं किसी से बात हुई क्या आपको बताएं डिटेल में ज्यादा हम बोल पाते थोड़ा शॉर्ट में तो बताना ही पड़ेगा ना एडीसी जोन कानपुर भानु भास्कर द्वारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर अधिकारियों व कर्मचारियों को स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्य रखते हुए निर्भीक होकर अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना निर्वाचनों में अपने मताधिकारों के प्रयोग की शपथ दिलाई गयी। लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए ये शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा का अनुसरण रखते हुए निर्भीक होकर धन वर्ग जाति समुदाय भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जय हिंद जय भारत। पीलीभीत में ईंट उतार भराई कर रहे नाबालिग बच्चे। एक जिले से दूसरे जिले में बच्चे आते जाते, बच्चों द्वारा ईंट का कराया जा रहा कार्य। आखिर कौन है जिम्मेदार? पीलीभीत के गजरौल थाना क्षेत्र के विधिपुर गांव का पूरा मामला। कौन बट्टा दादल कौन बट्टा काम कर
चोरी छुपा में लेके आए हुए ये बाल को पकड़े हैं, देखिए नाबालिग काम कर रहे हैं। ये वाले वाला है, कौन का अपराध? सरकार सब लोग, हां सब लोग उठा रहे रात, सब लोग खुदार बट्टा ही है। अरे खुदार बट्टा ही है, उठा दे आइए। अबे तो मैं पूरनपुर बट्टा ही है, जने कहां बताई खुदार ही है, बट्टा है खुदार का नहीं होता। धारा घुटार छुट्टी पर घर आए सैनिक की आघात वाहन की चपेट में आने से परिजनों ने पुलिस पर लगाया क्या घटना हुई थी, पूरा क्या मामला? मैं जैसे यहाँ से घर के लिए निकला तो घर वाले ने मुझे बताया कि भैया का एक्सीडेंट हो गया है। मैं जैसे ही मौके पर वारदात पहुँचा तो मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया, खून वहाँ पड़ा था, कह रहे थे हॉस्पिटल में जाके एसएन में डाले जाओ, वहाँ पे तुम्हारा भाई है। मैं एसएन में गया, वहाँ पे मैंने बहुत कम से कम आधा घंटा इधर उधर घूमता रहा, किसी ने मेरे भाई का कोई खबर नहीं की। फिर मुझसे कहा गया कि पोस्टमार्टम घर चले जाओ। फिर मैं वहाँ गया तो मेरा भाई भैंस वाली जिस गाड़ी में भैंस जाती है, गोबर से बिगड़ी हुई गाड़ी, उसमें मेरा भाई रखा हुआ था और ना ही मुझे पूछा ना कुछ किया और पोस्टमार्टम अपने आप ही कर दिया इन्होंने। किसी ने ना साइन लगाया ना कुछ ना, और पोस्टमार्टम के लिए किसी ने पूछा नहीं, ये भी नहीं पूछा जिंदा है क्या है, किसी हॉस्पिटल में भी नहीं ले गए उसे सीधे पोस्टमार्टम। सजानपुर बीसापुर हाईवे पर सजानपुर के निकट दीवारों पर नहीं हटाई गई प्रचार सामग्री, आचार संहिता की उड़ाई जा रही धज्जियां। इस प्रकार से खबरें समाप्त होती हैं, देखते रहिए बीपीए न्यूज़।